तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल फगुनिया 07 ऑफिशियल में। तो कल से रात में जब हम ड्यूटी से आए थे ना, तो फगुनिया का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी भी उसका तबीयत थोड़ा ख़राब ही है। तो पता नहीं, अभी जब हम सुबह उठे तो अभी तक वो उठ ही नहीं है। रात के 11 बजे हम काम से आए थे और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी तक उठ ही नहीं है। देखते हैं वो किधर है। लाइट वाइट ऑफ करके सोई हुई है। फग्गू, ओए उठो, दिखा हाथ। लाइट, थोड़ा थोड़ा फीवर है, लाइट ऑन करते हैं। अभी सोई हुई है। क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? उठो, चलो दवाई खा लो, दवाई खा लो। तो फ्रेंड, इसको बोलते हैं कि सुबह सुबह इतना यार ठंड में काम मत करो, थोड़ा टाइम होने दो तो काम करना, लेकिन फिर भी ये उठ करके सारा काम सोचती है जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद बाबू को भी रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह बाबू को किसी और को देना पड़ता है। देखिए इसका हालत कैसा, अभी ख़राब है, इसको ठंड लग गया है। उठो, चलो उठो, हम दवाई खिलाते, चलो उठ कर बैठो। उठो उठो उठो, दवाई लेकर आते हैं। दवा भी खिलाने के लिए इसको थोड़ा पानी लेकर के आते हैं। और रूम में पानी रहता है, पानी वगैरह, जो किचन रूम हम लोग का है। ऐसे तो किचन ऐसा नहीं बनाया कि किचन जैसा लगता है, घर ही है मेरा। तो थोड़ा ग्लास ले लेते हैं। तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से, तभी आपके पास तो वीडियो जा पाएगा। फ्रेंड, हमें भी परेशानी होता है, क्योंकि छोटा छोटा दो को बाबू है, उसको रख नहीं पाते हैं अच्छा से हम, क्योंकि ड्यूटी भी हमको जाना रहता है। किधर रखी है भिक्स उक्स, पता ही नहीं चलता है कहाँ रखती है कुछ सामान एकदम। थोड़ा सा इसको सर का मसाज कर देते हैं, ताकि इसका ज़्यादा तबीयत खराब है, काफ़ी ज़्यादा फीवर है, फिर इसको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा पैर में तेल लगा देते हैं, क्योंकि इसको ठंड लग चुका है ना, इसलिए थोड़ा ठीक हो जाएगी। और उठो सुबह, तुमको बोलते हैं थोड़ा आराम से उठा करो यार। ऐसे अगर मालिश करेंगे तो इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और इसको थोड़ा गर्म लगेगा, इसीलिए फ्रेंड इसको तेल लगा दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा अच्छा से करने दो ना। अरे रुको तो सही, तुम कर लेगी ठीक है, लेकिन हम कर दे रहे हैं ना, क्यों हम नहीं कर सकते क्या? रुको सही, सुतो, आराम करो ना तुम। नहीं
थोड़ा आराम करो, हम पूरा काम कर देंगे, ठीक ना, टेंशन मत लो। ओके सर, अभी दवा खाकर आराम करो, हाँ समझी। चलो सो जाओ। इसको हाँ, मैंने अभी विक्स लगा दिया है और फिर उसके बाद पैर और का भी मालिश कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं कब तक ठीक होगी। अभी भी उठती है तो बोलती है हमको है कि काम करने दो, तो अभी तो देखिए सोई हुई है फिर से। तो फ्रेंड दिक्कत हो जाता है क्योंकि पापा मम्मी तो घर पे रहते हैं, गांव में रहते हैं ना, इसीलिए हमको थोड़ा देखना पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। तो आप लोग भी इतना प्यार देते हैं फगुनिया को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग के दुआ से ये जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे दो बाबू है। तो हाय करो राखी सबको, आराम करो तुम थोड़ा देर। अभी जीवा बाबा को ट्यूशन व्यूशन हम भेज देंगे, अभी काम नहीं करना है तुमको। हाँ अभी काम मत करना है, इसको ठंड लग गया फ्रेंड, क्योंकि सुबह इधर क्या पानी सुबह सुबह खुल जाता है, तो उस पानी अगर खुला हुआ रहता है तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है, इसीलिए ये काम करने के लिए जल्दी उठती सुबह। लगभग वही ठंड में 6 बजे उठना पड़ जाता है, तो इसीलिए लगातार उठ रही थी, आप लोग देख रहे थे ब्लॉग में। फिर इसका तबीयत ख़राब हो गया अचानक, कल रात में बोली कि हमको काफ़ी ठंड लग रहा है, हम सोने जा रहे हैं, और हम ड्यूटी से आए तो देखें इसका तबीयत काफ़ी ख़राब था, तो रात में भी दवा दिए और अभी भी दवा दिए हैं। अब देखिए कितना जल्दी ये ठीक हो जाती है, क्योंकि हमको भी दिक्कत हो जाता है, हम लंच बॉक्स कैसे ले जाएंगे, टिफ़िन कैसे ले जाएंगे, तो हमको भी दिक्कत हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी उसको फगुनिया को हम सुला दिए हैं ताकि वो सो जाए, और हम थोड़ा मोड़ा जो काम बचा हुआ है उसको हम कर लेते हैं। तो अभी क्या चावल हम चढ़ा दिए हैं, देखिए फ्रेंड चावल बन रहा है, और उसके बाद हम सुबह उठे हम भी और क्या किए, ये देखिए सोयाबीन बड़ी को हम अभी इसको गरम कर चुके हैं, ताकि इसको इसी का सब्जी आज बनाएंगे हम सोयाबीन बड़ी का। और सोयाबीन बड़ी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ये आपको पता ही है, और मेरा दाल उल भी बन गया है। अब देखते हैं चावल में कितना देर है बचा हुआ है। तो चावल में अभी कम से कम 15 मिनट दे रही है, और उसके बाद क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी चावल बना लेंगे और खाना वाना खाएंगे, और ड्यूटी है मेरा तो ड्यूटी चले जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है, उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है, तो फिर वो फ़ोन करेगी हमको, फिर हम आ जाएंगे तुरंत, क्योंकि ज़्यादा दूर में मेरा काम नहीं रहता, 5 मिनट दूर है यहाँ से। अभी गेम खेल रही है, अभी ट्यूशन जाएगी, तैयार हो चुकी है। बेटा मम्मा बेटा मम्मा भी छुट्टी है और इधर से बैठे हैं। तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब है। देखो इधर अंकल लोग को हाय बोलो। हाय। इसको मामा का तबीयत खराब है, और इसे अभी हमको देखना पड़ रहा है, क्योंकि छोटा बाबू अर्धक्ष को मैंने बगल में भाभी रहती है तो उसी को दे दिए हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम भी आज हमको, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा फगुनिया को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।